लो जी फिर वही बात। आज जब मैं आपको बता रहा था कि बजरंगी भाईजान ने अपने तीसरे दिन कितना कमाया बॉक्स ऑफिस पे, चाइनीज बॉक्स ऑफिस पे, फिर से मेरे दिमाग में, मेरे जहन में यही बात आई कि आप मेरे फैमिली मेंबर्स ये डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि दंगल ने अपने तीसरे दिन कितना कमाई की थी, दंगल क्या जो अमाउंट आया था वो क्या बजरंगी भाईजान से ज्यादा है या कम। देखिए ये तो मैं आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए बताता रहता हूँ, तो इसमें ऐसा कोई मेरे वीडियो बनाने का कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं किसी फिल्म को ज्यादा बता रहा हूँ, किसी फिल्म को कम बता रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, ये जस्ट आप लोगों के लिए, दिल बहलाने के लिए। ऐसे में दोस्तों बात करते हैं, चलिए सबसे पहले बजरंगी भाईजान की। बजरंगी भाईजान तो यार गजब ढारी है, इतनी फिल्म साथ में रिलीज हुई हैं, उसके बावजूद बजरंगी भाईजान ने दोस्तों जो है 55.22 करोड़ का अमेजिंग बिजनेस कर लिया है 3 दिन के अंदर। अगर ये और फिल्में नहीं आती ना दोस्तों, तो 3 दिन के अंदर 80 से 100 करोड़ के बीच में आराम से कमा लेती। ऐसे में तीसरे दिन जो फिल्म ने बिजनेस किया है, यानी कि कल 4 तारीख को, तो वो किया दोस्तों $3.13 मिलियन, ठीक है। ये बजरंगी भाईजान का है, लिटिल लोलिता मंकी गॉड अंकल का। अब बात करता हूं दोस्तों दंगल की। दंगल ने जिसने चाइना में दोस्तों 1000 करोड़ से ज्यादा कमा लिया, ठीक है, कम स्क्रीन्स में रिलीज हुई थी लेकिन फिर भी ट्रेमेंडस बिजनेस करा दंगल ने। अब ऐसे में दोस्तों तीसरे दिन दंगल ने, मतलब आज से जब 1 साल पहले जब वो रिलीज हुई थी मई में, तब दंगल ने अपने तीसरे दिन में दोस्तों $5.58 मिलियन का बिजनेस किया था। अब आप डेफिनेटली सोचोगे यार ये तो कम है बजरंगी भाईजान से। नहीं दोस्तों, कम ये अगर आप फिगर वाइज देखेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कंपटीशन वाइज तो कंपटीशन यहां पर तकड़ा हो चुका है बजरंगी भाईजान के लिए, और दंगल के लिए कंपटीशन कम था। और उस टाइम पे ना मोनोपोली जो होती है ना वो थी, और आमिर खान को वहां पर हाथों हाथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आमिर खान की इससे पहले PK रिलीज हुई है, 3 डेट्स रिलीज हुई है चाइना में, तो भाई की ये पहली डेब्यूटेंट फिल्म, उस पर ये 55 करोड़ का एकदम सराटेदार एकदम टैग लग चुका है दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि बजरंगी भाईजान कितना क्रॉस कर सकती है, जो भी लगता है, और नीचे का कमेंट सेक्शन आप ही के लिए एज यूजुअल इस्तेमाल कीजिए। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स के लिए, आपका फिल्मी आ रहा है ना, मतलब आपके फैमिली का सबसे छोटा सा सदस्य, उसके पास आइए। चलिए बाय।